हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्लॉग। आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक फर्मेंटेड राइस वाटर शैम्पू का रिव्यू शेयर करूंगी। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है विश केयर का राइस वाटर शैम्पू। अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो ये जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसी बॉटल पैकेजिंग में आता है। यहाँ पे आपको जो इसका डिस्पेंसर है वो एक पंप डिस्पेंसर मिल जाएगा, जिसको आप इजीली टर्न करके ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस ब्रांड की जो भी बॉटल्स आपको मिलेंगी या जो भी कंटेनर्स आपको मिलेंगे इस प्रोडक्ट के, ये सारी ही चीज़ें रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी हुई हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स इनके हैं ये क्रुएल्टी फ्री हैं, पैराबिन फ्री हैं, सल्फेट फ्री हैं। अगर इन पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो इस प्रोडक्ट में आपको 300 ml की क्वांटिटी मिलेगी और इसका जो प्राइस है वो 599 rupees है। ऐसा सब इसकी पैकेजिंग पे मेंशन है और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी पैकेजिंग पे लिखी हुई हैं। मैं वन बाय वन आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आज आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके पास में एक छोटा सा बेल आइकन भी होगा, उसको भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपसे मेरी ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी चीज़ें बता देती हूँ। अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो इसका कोई आउटर बॉक्स नहीं आता है, इसकी सिर्फ ऐसी ही पैकेजिंग आती है। यहाँ पे सारी डिटेल्स इस प्रोडक्ट की दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि डू यू नो ओनली 1% ऑफ अर्थ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, सो विच मेक्स इट मोर प्रीशियस। तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई ब्रांड है वो प्रोडक्ट भी अच्छे बना रहा है और साथ ही में इन्वायरमेंट के बारे में भी इतना सोच रहा है। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है डू यू नो, तो इससे लोग जो हैं वो थोड़ा सा अवेयर होते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर नहीं रह गया है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो हम लोगों को वाटर नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी पैकेजिंग में। इनफैक्ट जो भी इनके प्रोडक्ट हैं सारे ही प्रोडक्ट पे ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, मैं वन बाय वन आप लोगों को बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो शैम्पू है ये फर्मेंटेड राइस वाटर शैम्पू है, तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होगा वो तो फर्मेंटेड राइस वाटर ही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ इंग्रेडिएंट में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो फर्मेंटेड राइस वाटर ही दिया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट में आपको फर्मेंटेड राइस वाटर, विटामिन ई, सोए प्रोटीन, ऑलिव ऑयल, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, अर्निका एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट और ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोडक्ट में मिल जाएंगी। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 24 months है, तो आप 2 साल तक इस प्रोडक्ट को आराम से यूज कर सकते हैं। राइस वाटर जो है वो हम लोगों के हेयर्स और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन ये जो शैम्पू है इसमें फर्मेंटेड राइस वाटर का यूज़ किया गया है। राइस वाटर और फर्मेंटेड राइस वाटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादातर लोगों को वो सेम लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दोनों चीज़ों में होता है। तो पहला बेनिफिट फर्मेंटेड राइस वाटर का हम लोगों के हेयर्स के लिए ये होता है कि जो फर्मेंटेड राइस वाटर है वो हम लोगों के हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। फर्मेंटेड राइस वाटर में कुछ आपको ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं जो कि हम लोगों की जो हेयर डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ हम लोगों के जो हेयर्स हैं उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है वो बेसिकली हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए जाना जाता है। आपको इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे मिनरल्स भी मिलेंगे जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी माने गए हैं। जो नॉर्मल राइस वाटर है वो तो हम लोग घर पे बना सकते हैं, लेकिन जो फर्मेंटेड राइस वाटर है उसके लिए एक प्रोसीजर होता है और वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से करना ज़रूरी होता है, तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको शैम्पू फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में मिल रहा है फर्मेंटेड राइस वाटर तो ज़्यादा अच्छा रहता है इस प्रोडक्ट उसको यूज़ करना। तो अगर शैम्पू की बात की जाए कि ये ब्रांड क्या क्लेम करता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो शैम्पू है ये बहुत ही माइल्ड सा क्लेंजर है जो कि आपके हेयर्स को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है और साथ ही में आपकी जो हेयर्स की नेचुरल इलास्टिसिटी है उसको भी रिस्टोर करने में हेल्प करता है और बहुत ही ज़्यादा डीप कंडीशनिंग आपके हेयर्स को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि विश केयर, यू विश वी केयर है ये जो प्रोडक्ट है, ये क्लेम करता है कि ये शैम्पू आपके हेयर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। आप यहाँ पे पैकेजिंग पे देख सकते हैं सारी चीज़ें इसकी दी हुई हैं और इसमें पैराबिन्स नहीं है, सल्फेट फ्री शैम्पू है ये। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। अगर यूज़ करने की बात की जाए तो काफ़ी सिंपल है, जैसे आप बाकी शैम्पू यूज़ करते हैं आपको इस प्रोडक्ट को भी वैसे ही यूज़ करना है। आपको थोड़ा सा शैम्पू लेना है, उसको अपने हेयर्स पे काफ़ी अच्छे से मसाज करना है,
एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जितना ज़्यादा लेदर केमिकल बेस्ड शैम्पू में होता है उतना ज़्यादा लेदर इस प्रोडक्ट में नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे केमिकल्स नहीं यूज़ हुए हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा लेदर आपके हेयर्स में फॉर्म हो। तो जब आप इस शैम्पू को अपने हेयर्स पे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा लेदर फॉर्म होगा। आप जैसे जैसे मसाज करते जाइए शैम्पू को अपने हेयर्स में, वैसे वैसे आप थोड़ा सा वाटर भी बार बार अपने हेयर्स पे डालते जाइए, तो इससे ये होगा कि लेदर काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस हो जाएगा आपके हेयर्स में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स में होता है। तो अगर आप पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई भी ऐसे केमिकल्स नहीं हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो हेयर्स हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार और वॉश कर सकते हैं, मतलब आप दो बार वॉश कर लीजिए अपने हेयर्स, उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो वॉश करने के बाद आपके जो हेयर्स हैं वो जैसे जैसे थोड़ा सा ड्राई होंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये शैम्पू ने काफ़ी अच्छे से आपके हेयर्स को क्लीन कर दिया है और आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी भी लग रहे हैं, क्योंकि फर्मेंटेड राइस वाटर की यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपके हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस और शाइनी दिखाता है और साथ ही में आपके हेयर्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और साथ ही में आपकी जो हेयर थिकनेस है उसको भी इंक्रीज़ करता है। तो जब आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे विद टाइम आपको जो केमिकल बेस्ड शैम्पू या प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, आपको ये जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं ये ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे विद टाइम। लेकिन जैसे जैसे आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा लेदर नहीं फॉर्म हो रहा है, फिर भी आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो रहे हैं और आपकी जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो भी उतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी ज़्यादा पहले जो केमिकल बेस्ड शैम्पू से आपको हो रही थी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब आपको नहीं होंगी। मैं आप लोगों को इस शैम्पू का थोड़ा सा टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि शैम्पू का जो टेक्सचर है वो कैसा है। तो इस शैम्पू का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा फ्लोई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस प्रोडक्ट की जो स्मेल है वो ऐसी कोई आर्टिफिशियल सी स्मेल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं यूज़ की गई है, काफ़ी नेचुरल सी इसकी स्मेल है। जो भी ऑयल्स यूज़ हुए हैं, कैस्टर ऑयल भी यूज़ हुआ है इसमें, तो उन्हीं सब चीज़ों की स्मेल आ रही है इस प्रोडक्ट में। काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट और कंसिस्टेंसी भी काफ़ी सही है एज अ शैम्पू की, जैसे बाकी शैम्पूज़ की होती है कंसिस्टेंसी वैसी इसकी भी है, तो काफ़ी सही लगा मुझे ये प्रोडक्ट। तो अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो मैं इसको 3 से 4 बार तक यूज़ कर चुकी हूँ और मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट पे ये है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बस यही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेदर फॉर्म होगा तभी आपके हेयर्स क्लीन होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े लेदर में भी हेयर्स आपके काफ़ी अच्छे से क्लीन हो सकते हैं। आपको बार बार वाटर यूज़ करते रहना है अपने हेयर्स पे, थोड़ा थोड़ा वाटर डालती रहिए और काफ़ी अच्छे से आपके जो हेयर्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे। तो मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट पे यही है कि ये काफ़ी अच्छा एक शैम्पू है, अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है ये, इसके और भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा शैम्पू, अगर आप एक ट्राई देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।